सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी मुकेश शाह। मुकेश जी कहाँ से आए आप? जी मैं पीछे तो बिहार से रहता हूँ, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन यहाँ लोहारा पिंड लुधियाना में रह रहा हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर यही देवी देवता को तो पूजा कर रहे थे सर, और मंगलवार की व्रत और शनिवार का दोनों व्रत करते थे, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं हुआ था सर। सर जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? सर ऐसा है कि मैं एक दिन साधना चैनल पे गुरु संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देख रहे थे, तो बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज बता रहे थे जो आप ये देवी देवता का पूजा कर रहे हैं ये व्यर्थ साधना है, ये गलत साधना है, साधना तो ऐसे करना चाहिए। फिर बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज बताए कि भक्ति ऐसी करना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा मैं ये सुन करके, और फिर बरवाला में जाके नाम लिया सर। सर यहाँ पे एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि देवी देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? सर बंदीछोर सतगुरु रामपाल जी महाराज देवी देवता का भक्ति नहीं छुड़वाते हैं। बंदीछोर सतगुरु रामपाल जी महाराज तो देवी देवता का भक्ति शास्त्र के अनुकूल बताते हैं और करवाते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हम सुनते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, आपको क्या लाभ हुआ? सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद तो पहला सुख मुझे ये स्वास्थ्य मिला सर, कि मैं 2 साल से टीबी का दवाई खा रहा था, और जहाँ भी जाते थे डॉक्टर से दिखाते थे बस वही कहता था कि दवाई खाते रहो और बाद में ठीक हो जाएगा, दवाई खाते रहो बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन सर मुझे उससे संतुष्टि भी नहीं थी और मुझे राहत भी नहीं था सर। मैं हर एक जगह से दवाई और गोली खा खा के सर थक चुका था, मुझे ऐसा लगा कि भाई अब तो मुझे बचने की या इलाज होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हर एक जगह से मतलब असंतुष्टि हो रही थी। पर मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं बंदीछोर सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जा कर के और फिर शास्त्र के अनुकूल भक्ति करवाता हूँ। बंदीछोर सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते थे ये भक्ति से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, तो फिर मेरा ये टीबी क्यों नहीं ठीक होगा। फिर मैं जब गया वहाँ और मैं नाम दीक्षा प्राप्त किया, तो जब परमात्मा ने आशीर्वाद दिए थे 80% तो मेरी बीमारी वहीं पर ठीक हो गई थी। जब मैं घर आया और ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता दिन दवाई खाए होंगे, उसके बाद मेरे सारी बीमारी ठीक हो गई, ना मैं कोई टेस्ट करवाया ना और कुछ चेक करवाया, उस दिन से मैं परमात्मा की दया से बंदीछोर सतगुरु रामपाल जी की दया से आज तक बिल्कुल ठीक हूँ सर। सर और कोई लाभ? जी सर, और मैं किराए पे धक्के खा रहा था सर, मन में यही आशा थी कि हे बंदीछोर सतगुरु रामपाल जी महाराज, अगर आपकी दया से थोड़ी सी कुटिया हो जाए, इस भक्तों की थोड़ी जगह मिल जाए जो आपकी भक्ति करूँ, तो परमात्मा ने वो भी पूरा कर दिए। भगत जी ऐसा है कि एक दिन संध्या आरती हो रही थी और मैं जोत जलाया और दंडवत प्रणाम किया, मैं गुरु जी से अरदास किया कि हे बंदीछोर सतगुरु रामपाल जी महाराज, आज मैं लास्ट बार है मांगता हूँ, आज के बाद तो नहीं मांगूंगा, ऐसे चाहिए भी नहीं, परमात्मा अगर आपकी दया हो तो इस दास को दे देना। 2 दिन के बाद धूरी से एक बहन जी का फ़ोन आया कि भैया अगर आप जगह लेना चाहते हो तो मैं आती हूँ, आप पसंद कर लो। मुझे ऐसा लगा कि मैं तो उसको नंबर भी नहीं दिया था, फिर ये इनका नंबर मुझे कैसे पता चला। फिर बोली भैया आप रहते कहाँ? मैं गिल में रहता हूँ लुधियाना पिंड में। फिर बोले कि भैया मैं 9 बजे वाली ट्रेन से आ रही हूँ, आपके पास 10:30-11 बजे पहुँच जाऊँगी। हम बोले ठीक है बहन आ जाओ। जब आए तो बहन आई और गुरुजी के सामने डंड पर प्रणाम किया और पर्स खोली तो उसमें 2 लाख रुपये थे। बोला भैया आप ये प्लाट ले लो, आप मुझे पैसे बाद में देना, कोई बात नहीं। मैं बोला दीदी इतनी बड़ी रकम मेरे बस की बात नहीं है। मैं रोने लगा कि हे मालिक ये इतनी बड़ी पैसा मैं कहाँ से दूँ, आज तक लाइफ में मैं नहीं देखा था सर कि ये 2 लाख रुपये होते कहाँ से हैं। फिर वो दीदी बोली भैया नहीं लेंगे आप तो मैं थप्पड़ लगाऊंगी। सर इससे ज़्यादा आप क्या बताऊँ, 2 दिन रह करके बहन और साथ साथ मेरी जगह की रजिस्ट्री करवा करके उसके बाद बहन वापस गए थे सर। उसके बाद परमात्मा की दया से रहने के लिए घर भी मिल गया और काम भी परमात्मा ने सेट कर दिए, बहुत खुशी से रह रहा हूँ, परमात्मा ने सब कुछ दे रखे हैं। बंदीछोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से रोजी रोटी भी मिल गए, काम भी कर रहा हूँ और भक्ति भी कर रहा हूँ सर। मेरे सर पे आज कोई कर्जा भी नहीं है सर, सबको ले देख बिल्कुल परमात्मा ने ओके कर दिया है। बंदीछोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल टेंशन मुक्त है सर। सर और कोई लाभ? सर और कोई लाभ, भक्तमती भी कुछ परेशान रहती थी, वो भी दवा खाती थी, डॉक्टर ने थोड़ा हार्ट के बारे में बोला था, लेकिन जब देखे परमात्मा की शरण में आने से जब मेरा बीमारी ठीक हुआ तो इसका ही क्यों नहीं होगा। एक बार गए फिर परमात्मा से अरदास लगाई कि बंदीछोर सतगुरु रामपाल जी महाराज मैं ऐसे दुखी हूँ,
परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, उसके बाद कोई दवाई नहीं, भक्तमती भी बिल्कुल ठीक हो गई। क्या सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप कोई नशा करते थे? जी नशा तो बहुत करते थे, अब घिनना भी आता है सर आपको बताना, क्योंकि भर दिन में गुटखा खाना, शराब पीना, बहुत ज़्यादा नशा करते थे सर। क्या आप अभी भी नशा करते हैं? सर अब नशा तो करना दूर की बात है सर, अब उस तरफ देखना भी बिल्कुल घिनना आता है सर। तो सर आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया कि पहले आप इतने सारे नशा करते थे और अब आप बिल्कुल भी नशा नहीं करते हैं, तो सर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया आखिर? सर वही नशा की वजह से सर, मेरी टीबी की बीमारी और मैं दबा कर रहा था सर, और उस टेंशन की वजह से और मैं नशा करते जा रहा था सर। वो तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद ही मेरा बीमारी भी और नशा भी छूटा सर। वो दिन मैं याद करता हूँ सर तो बहुत घिनना आती है उस चीज़ से, कहता हूँ हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, मुझे तो आप डस्टबिन से निकाले हैं बंदी छोड़, नहीं तो मैं तो बिल्कुल नाले में गिरा पड़ा था सर। सर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया आपके जीवन में कि पहले आप इतना नशा करते थे कि टीबी की बीमारी होने के बावजूद भी आप नशा करते थे, फिर भी आप नशा नहीं छोड़ पा रहे थे, और आप जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते हैं और आप नशा छोड़ देते हैं, तो सर ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी क्या बताते हैं, क्या जड़ी बूटी देते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज के मंत्र में ऐसी शक्ति है सर कि नशा तो क्या सर, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो रही है। परमात्मा सत्य भक्ति बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज के मंत्र में ऐसी शक्ति है सर कि वो जो मंत्र देते हैं जाप करने के लिए, जो भक्ति सही साधना सत्य भक्ति बताते हैं सर, उस मंत्र में ऐसी शक्ति है कि बीमारी और नशा सारे कुछ खत्म हो जाते हैं सर। तो सर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे कि आप नशा नहीं छोड़ पा रहे थे, तो सर आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग नशा करते हैं और वो लोग चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो सर क्या वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आते हैं तो आपकी तरह उनका भी नशा छूट जाएगा? सर नशा तो छूट जाएगी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, वो तो समाज को सुधारने के लिए ही परमात्मा आए हुए हैं। मैं सभी जगत वालों और जो सभी नशा करने वाले भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करें और सही भक्ति करके और मोक्ष प्राप्त करें और परिवार में सुखी शांति रहें। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर भगत समाज को मैं संदेश क्या प्रार्थना कर सकता हूँ सर कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए और सत भक्ति करे और मोक्ष प्राप्त करे, और घर में जितने क्लेश लड़ाई झगड़े नशा ये ज्यादा ज्यादा भी ये चोरी चमारी डाका डाले हो रहा है, परमात्मा के शरण में आने के बाद ये सारा बुराई खत्म हो जाएगा और सत भक्ति कर करके और यहाँ से सतलोक चले और मोक्ष भी मिलेगा। और परमात्मा तो बता दिए हैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, जो मेरे शरण में आने के बाद आर्थिक स्वास्थ्य और भौतिक ये तीनों लाभ मिलेंगे सर। ये तीनों लाभ तो शायद कोई देवी देवता के शरण में लाखी जितना दिन तक रह जाए, लोग भक्ति करता रह जाए, मेरे समझ से तो सर ये तीनों लाभ नहीं मिल सकता है सर। उनके लिए तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में ही आना चाहिए। सर एक जो संत जेल में है वो अपने शिष्यों को इतने सारे लाभ कैसे दे सकता है? मैं तो ये कह रहा हूँ सर कि संत रामपाल जी महाराज तो मेरे हमेशा साथ रहते हैं, अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं और हर एक काम सार रहे हैं, हर एक भक्तों के साथ कुछ न कुछ लाभ होते ही रहता है। मैं तो जगत वालों को यही कहता हूँ कि इस ज्ञान को परखो पहचानो और फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में जुड़ो। आज हम लोगों को जो भक्तों को जो लाभ मिल रहा है वो तुम लोगों को भी आप लोगों को भी मिलेगा। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर विपिन चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, वो सत्संग सुने और उस पे लिखे गए नंबर पे फोन करके, और परमात्मा तो आज ये काल के लोग सब तो एक आश्रम बंद किए हैं, परमात्मा तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पूरे हिंदुस्तान में पूरे हर एक डिस्ट्रिक्ट में नाम दम सेंटर खोल दिए हैं। जहाँ भी जहाँ के हैं वो जुड़ना चाहते हैं उस नंबर से कॉन्टैक्ट करके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं और इस भक्ति से लाभ उठा सकते हैं। जी धन्यवाद। नमस्कार जी।